नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के बारे में, जिसमें एएनआई से बात करते हुए डीआरडीओ चीफ जी सतीश रेड्डी जी ने ऐसा बताया है कि अभी करंटली डीआरडीओ अपने अस्त्र मिसाइल का एक और वेरियंट बनाने में लगी हुई है, और ये वेरियंट इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम के लिहाज से एक लेयर डिफेंस प्रोवाइड करने में कंट्रीब्यूट करेगा, और ये वेरियंट है अस्त्र का वर्टिकली लॉन्च्ड वेरियंट। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, एमरेम मिसाइल का ही जो एयर डिफेंस वेरिएंट है, जिसे NSM के नाम से US बताता है, ठीक उसी तरह से हमारे भी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का ये एक वर्टिकल वेरिएंट होगा, जो कि एयर डिफेंस में अपना रोल निभाएगा। और ये अभी फिलहाल इनिशियली एक शॉर्ट रेंज कैटेगरी में देखा जा रहा है, जिसकी रेंज 20 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर के बीच में होगी। और ये रेंज इसकी ऑपरेशनल रेंज है। जहां तक बात करते हो इसके फ्लाइट रेंज की, तो वो अभी 25 किलोमीटर तक प्लान किया जा रहा है। और ये भारत का पांचवा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम होगा, और इससे पहले भारत आकाश 1 और आकाश 1S, जो कि शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज कैटेगरी के सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, और ये इंडिया के लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम में इम्पोर्टेंस रोल निभाते हैं, और इसे के तकरीबन 6 स्क्वाड्रन IAF ऑलरेडी इंडक्ट करने के लिए अनुमति ले चुकी है। और ये जो अस्त्र का वर्टिकल वेरिएंट है, इसे एक QRSAM के कैटेगरी में देखा जा रहा है, और इसका अपना ही कमांड कंट्रोल यूनिट होगा। वैसे तो इसे दूसरे भी कमांड कंट्रोल यूनिट से इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कैपेबल बनाया जाएगा, लेकिन इसका अपना ही कंट्रोल यूनिट होगा, और जिसकी वजह से इसका डिप्लॉयमेंट क्विक हो सकेगा। तो इसलिए इसको एक क्विक रिएक्शन के रूप में देखा जा रहा है। और इस अस्त्र मिसाइल के वर्टिकल वेरिएंट में ही एक नेवी के वेरिएंट पे भी सोचा जा रहा है, जिसमें इसकी ऑपरेशनल रेंज 30 प्लस किलोमीटर की प्लान की जा रही है। और ये अस्त्र का वर्टिकल वेरिएंट 360 डिग्री कवरेज देने में सक्षम होगा। जहां तक आप अभी जानते ही होंगे, ये जो अस्त्र का वर्टिकल वेरिएंट है, ये भारत का पांचवा एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि इंडिजिनस है। और इससे पहले भारत XRSAM पे काम कर रहा है, जिसकी रेंज 250 प्लस किलोमीटर्स हैं, जो कि रशियन S-400 के साथ मिलके काम करने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ इसी इंटरव्यू में DRDO चीफ ने ऐसा बताया है कि हाल ही में कंडक्ट किए गए IAF के द्वारा एक एक्सरसाइज के दौरान, जो इंडिया का बेसिक आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, उसने अपनी काउंटर PGM कैपेबिलिटी शो की है, और जिसके अंतर्गत इसने एक स्पाइस 2000 बॉम्ब को इंटरसेप्ट किया है। और DRDO चीफ का मानना यह है कि ये आकाश का जो बेसिक वेरिएंट है, वो ही सिर्फ एक ऐसे टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती है जिसका ऑल्टीट्यूड 30 मीटर के अराउंड हो। तो यानी कि लो से लो ऑल्टीट्यूड पर टारगेट को भी ये आकाश का जो बेसिक वेरिएंट है, जिसमें अभी सीकर नहीं लगा है, वो भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। और ये अभी हाल ही में कंडक्ट किए गए IAF के एक्सरसाइज में प्रूव हुआ है। जहां तक बात है अस्त्र के इस वर्टिकल वेरिएंट में, तो इसमें जो एयर टू एयर वेरिएंट है, उसके मुकाबले में कुछ इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इसके रडार्स डेटा को इंडिपेंडेंटली शेयर करने में सक्षम होंगे, और इस वर्टिकल अस्त्र को कैरी करने वाले जो व्हीकल्स होंगे, वो बेसिकली रेडियो लिंक्स और मल्टी रोल रेडियो के साथ जुड़े होंगे। और ये जो वर्टिकल अस्त्र मिसाइल होगा, ये बेसिकली डिफरेंट तरह के टारगेट्स को हिट करने में सक्षम होगा, जैसे कि अनमैन सिस्टम, हाई प्रिसीजन म्यूनिशन, ड्रोन्स और डिफरेंट तरह के क्रूज मिसाइल्स। और जहां तक इस अस्त्र मिसाइल के वर्टिकल लॉन्च वेरिएंट को लेके प्लानिंग है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन इसकी एक बैटरी में 12 लॉन्चर्स होंगे, और सभी में 6 के अराउंड ये वर्टिकल मिसाइल्स होंगी, और उनके साथ फायर कंट्रोल सेंटर और इलेक्ट्रो ऑप्टिक कैमरा व्हीकल्स भी होंगे, जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम को असिस्ट करने जा रहे हैं। तो इस अस्त्र के वर्टिकल लॉन्च बेस्ड लो लेवल क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम को लेके DRDO चीफ का ऐसा मानना है कि इस साल के अंत तक या फिर अगले साल से इस पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है, गिव अस लाइक, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।